नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज गाइस कुछ खास करने वाला है, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। एक प्रोजेक्टर इप्सन का है, मोटराइज आपको पर्दा है साथ में, उसको हैंग करेंगे। पूरा कंप्लीट सेटअप को बताने वाले हैं, बिकॉज कि आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं घर में मल्टीप्लेक्स और पिक्चर, आपको घर में एक रूम डार्क रूम रेडी करके और सिनेमेटिक इफेक्ट लेने के लिए। हालांकि इसके अंदर मैं होम थिएटर सेटअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐड ऑन कर सकते हैं गाइज। मैं पूरी प्योरली ऑफिशियल यूज़ के लिए बताने वाला हूँ। एक प्रोजेक्टर आप कॉन्फ्रेंस हॉल में कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे लगाएंगे। इप्सन का गाइस प्रोजेक्टर है WXGA, काफ़ी अच्छी कॉन्फ्रेशन के साथ है, 4200 लुमिनस का है गाइस। कॉन्फ्रेशन पे बात करेंगे और इसके अंदर कैसे कनेक्टिविटी करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है गाइस। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोजेक्टर आपको सिनेमेटिक घर में अगर सीलिंग माउंट करके आप यूज़ करते हैं तो क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, एक बार उसका डिटेल करते हैं, फिर प्रोडक्ट के ऊपर बातें गाइस। एक प्रोजेक्टर चाहिए जो आप आपका जैसा ब्राइटनेस का कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे वैरायटी के प्रोजेक्टर आ चुके हैं मार्केट में। आपको लेजर प्रोजेक्टर भी, हालांकि ये बल्ब वाली आपको लुमिनस वाली प्रोजेक्टर है, नॉर्मल प्रोजेक्टर है गाइस, LCD वाली प्रोजेक्टर है। इसके अलावा प्रोजेक्टर अलावा पर्दा चाहिए जो मोटराइज और नॉन मोटराइज दोनों वर्जन में आती है। ये मोटराइज वर्जन है, इसके साथ में रिमोट है गाइस, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये रिमोट के साथ कंट्रोल कर पाएंगे, इसको आपको हैंग करके भी दिखाने वाला है कैसे ऑपरेशन होता है। इसके अलावा गाइस ये प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट है, जो ऊपर प्रोजेक्टर सीलिंग पे लगेगा, सीलिंग के ऊपर में लगाएंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से लगा के प्रोजेक्टर हैंग करेंगे गाइस। इसके अलावा आपको HDMI केबल लंबी सी चाहिए, ये 15 मीटर की केबल है गाइस, ये अच्छी क्वालिटी की केबल होनी चाहिए, जो 4K आपका वीडियो 2K से अबव में आपको फ्लो करना होता है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए गाइस। एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, ये आपके प्रोजेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन डिटेल कर देता हूँ, फिर सेटअप करते हैं गाइस। सो गाइस इप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रोजेक्टर इप्सन का है गाइस, 2022 का जून का प्रोडक्शन है। ये 76990 है, लमसम आपको 65-70 हज़ार के आसपास में ये मिल जाता है गाइस। अच्छी ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। अंदर चलते हैं गाइस, ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस कुछ यूज़र मैनुअल आपको दिख रहा होगा, ये बिजनेस इन्वॉल्व है। आपको इसके अंदर इप्सन से रजिस्ट्रेट करना चाहेंगे अगर आप इसको वारंटी के लिए, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। छोटी सी यूज़र मैनुअल है, गाइडलाइन है कैसे आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं ऐसे बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं गाइस। दो रिमोट की बैटरी दी हुई है, ये आपको रिमोट में यूज़ करने में, रिमोट बहुत काम का होता है, इसके अंदर में बहुत सारी कंट्रोल आपको यहीं से करनी होती है। इसके अलावा गाइस आपको USB पोर्ट आपको दिख रहा है, जो प्रिंटर काइंड ऑफ पोर्ट है। HDMI केबल गाइस दी हुई है, हालांकि इतनी छोटी HDMI केबल से कुछ होना नहीं है, ये केबल भी साथ में आता है। पावर केबल है गाइस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको साइड करता हूं मैं। तो गाइस एक पावर केबल है, रिमोट साथ में है, बी टाइप केबल है, नॉर्मली USB बी टाइप केबल है जो आपको लैपटॉप से कनेक्टिविटी करने मिलेगा। HDMI केबल है छोटी सी, एंड बैटरी इसके साथ में है। आपको इप्सन का कॉन्फ़िगरेशन एक बार डिटेल कर देते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर है उससे आपको समझ में आएगा। इसकी जो कैपेसिटी है एंड क्वालिटी, उसी से क्लियरिटी हो जाती है, बिकॉज की कितनी लुमिनस की प्रोजेक्टर है उससे आपका उसकी कॉस्ट डिसाइड होता है, प्लस उसका ब्राइटनेस एंड कंट्रोल, उसी से चीज़ें समझ में आती है। सो गाइज ये मॉडल है, ये दो वेरिएंट में आता है, 982 एंड 972 दो मॉडल में गाइज अवेलेबल है मार्केट में। 982 WXGA मॉडल है, उसके अंदर जो रेजोल्यूशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी है, वो WXGA सपोर्टेड करता है, 1280x800 सपोर्टेड है WXGA। और दूसरा जो मॉडल आता है सेम कॉन्फ़िगरेशन में। सो गाइस एक बार सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देते हैं। इप्सन का ये मॉडल इसमें दो वेरिएंट में आता है, ये 982W एंड 972W दो वेरिएंट में सेम कॉन्फ़िगरेशन में गाइस आता है। एक WXGA सपोर्ट करता है, 972 जो है XGA सपोर्ट करता है, WXGA जो होता है गाइस 1280x800 रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, दैट इज एस्पेक्ट रेशियो जो होता है 16:10 का सपोर्टिंग हो जाता है।
इसकी जो लैंप लाइट है वो 6,500 से 17,000 घंटा तक चलती है, सो काफ़ी लंबी टाइम तक चलती है। गाइस 972 जो मॉडल है वो आपका 4.3 रेशियो सपोर्ट करता है, उसकी रेजोल्यूशन जो है एक्स जी ए की जो रेजोल्यूशन होती है 1024x768 होती है। कंट्रास्ट रेशियो गाइड 16,000:1 होता है, सो काफ़ी अच्छी कंट्रास्ट रेशियो है। जो लुमिनस है जो मेजरली लोग को समझ में आता है, जो ब्राइटनेस निकल है 4200 आपका 982 का है, इनफैक्ट 972 का 4100 है, माइनर है, कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर। इसके अंदर इंटीग्रेटेड गाइस मोनो स्पीकर 16 वाट का इंटीग्रेटेड होता है, एक स्पीकर होता है, सो इससे आप बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। वोकल आपको अच्छी हो सकती है, स्टूडियो अगर सॉन्ग सुन रहे हैं और उस तरह की कोई बातचीत कर रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, उस तरह का मीटिंग है, उसके लिए बिंदास स्पीकर है। लेकिन अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आपको अलग से ऐड ऑन करना होगा होम थिएटर काइंड ऑफ, बिकॉज इसकी स्पीकर इनफ नहीं होती है। सो ऑफिशियल यूज़ के लिए गुड इनफ है, लेकिन अदरवाइज में कोई काम में जाएंगे मूवी देख रहे हैं उसके लिए परफेक्टली नहीं होता है, उसके लिए आपको होम थिएटर ऐड ऑन करना होगा गाइस। सो गाइस इसकी वार्मिंग जो है वो 6 सेकंड में आप फास्ट में ऑन करते लैंप आपका वार्मिंग हो जाता है, 30 सेकंड में कंप्लीट वार्म हो जाता है। पावर कंजम्पशन जो मेजरली आप जानना चाहते हैं 327 वाट के आसपास खाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम 260 and 225 के आसपास कंजम्पशन इसकी पावर है। 100 वाट इनपुट से 240 वाट के इनबिट में कोई भी पावर आपको देने से इसमें आराम से रन करता है। गाइस स्टैंड बाई जब मोड इसकी होती है तो 2 वाट ही खाता है, सो बहुत ही शानदार फीचर के साथ ये प्रोडक्ट है। आपको पीछे क्या क्या पोर्ट है एक बार डिटेल कर देते हैं गाइस। सो गाइस जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पावर केबल लगाने की जगह है, आप यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दी हुई है जिसमें आप लैन पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। बी टाइप यूएसबी पोर्ट है, ये बी टाइप में आप डायरेक्टली यहाँ से लगा के अपने लैपटॉप से कनेक्टिविटी करके इसके अंदर में कोई चीज़ रन कर सकते हैं। लैन पोर्ट दिया हुआ है, लाइक लैन पोर्ट से नेटवर्क से कनेक्ट करके आप कहीं से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। गाइस पहले वाला VGA पोर्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर 1 पोर्ट दिया हुआ है, HDMI 2 पोर्ट दी हुई गाइस, सो एक साथ 2 डिवाइस आप इनपुट ले सकते हैं इसके साथ में, सिलेक्शन आप रिमोट से कर लेंगे। इसके अलावा AV की कनेक्टिविटी दी हुई है, माइक की कनेक्टिविटी दी हुई है लेफ्ट राइट के अलावा, ऑडियो आप यहां से इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं गाइस, यहां से निकाल के आप ऑडियो बाहर कर सकते हैं। एंड कंपोजिट कंप्यूटर 2 लगाने की जगह है, दूसरी पोर्ट भी दी हुई है। RS-32 पोर्ट है गाइस, आप बेटर कंट्रोलिंग करना चाहते हैं कहीं से मॉनिटर से वायरलेसली वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आपका रेलवे या ऐसी जगह पे जहाँ पे सेटअप की हुई जाती है और दूर से कंट्रोल करना होता है। मॉनिटर आउट है गाइज, यहाँ से निकाल के मॉनिटर को आप दूसरे जगह दूसरे प्रोजेक्टर में भी आप कंट्रोल लगा सकते हैं, और यहाँ से निकाल के आप मॉनिटर में भी अपने नॉर्मली लगा सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। ऑडियो आउटपुट गाइज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से ऑडियो आउट आप कर लेंगे और यहाँ से जो ऑडियो है वो बाहर निकल के आप किसी भी बड़े म्यूजिक सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। सो गाइज आगे चलते हैं, इसको सेटअप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो गाइज एक बार शटर आपको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ शटर लॉक है, ये सामने शटर ओपन करने के लिए स्लाइड दिया हुआ, बहुत ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक स्लाइड होके, बहुत सुंदर डिज़ाइन की हुई है। यहाँ आपको स्क्रीन की वाइडनेस सेट करने के लिए दी हुई है गाइज, यहाँ से आप सेट करेंगे चौड़ा और पतला होने के लिए जो स्क्रीन को, यहाँ से सेटअप करेंगे। इसके अलावा डी फोकस एंड फोकस करने के लिए 2 नॉब दी हुई गाइज, यहाँ से आप सेटअप करेंगे। एंड सारी मीनू यहाँ दी हुई है जो स्क्रीन पे आपको सारी कंट्रोल कर सकेंगे, इसको आप रिमोट से भी हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज जब सीलिंग माउंट कर चुके होंगे तो ऐसी चीज़ों में इसको टच नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम आप रिमोट से हैंडल करेंगे इस। सो गाइज एक बार आपको पर्दे के बारे में बता देते हैं कि बिकॉज ये मोटराइज जो पर्दा है ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे उतरना है, वो आपको हैंग करके दिखाएंगे। इसके अंदर में ये आपको कनेक्टिविटी कंट्रोलर लगा हुआ साथ में, यहाँ से आप ये अप डाउन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पावर लगने वाली है, इससे कंट्रोल होगी गाइज। इसके अलावा आप इसको रिमोट के थ्रू भी आप हैंडल करेंगे, सेम बटन आपको दिख रही है बीच में, स्टॉप है अप एंड डाउन करने के लिए है, पर्दे में केवल अप एंड डाउन ही करना है गाइज। इसमें 2 मोटर लगी है गाइज, यहाँ एक मोटर लगी है और एक साइड उस साइड मोटर लगी है, दोनों साइड मोटर है। ये आपको पर्दा है, ये नीचे हैंग करेगा, हैंग करके स्लाइडली नीचे और ऊपर जाता है, इसमें बहुत कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट ऊपर जाना और नीचे जाना, जितनी पर्दे आपको ओपन करनी है वहाँ पे स्टॉप कर देना गाइस, बहुत सिंपल है। इसको टांग हैंग करते हैं और फिर आपको प्रोजेक्टर ऑन करके उसका मज़ा दिखाते हैं कैसे कंट्रोल करना है। हालांकि सीलिंग माउंट आपको हम
ऑफिस में फिट करेंगे, वहां के बाद दिखाऊंगा मैं। यहाँ सीलिंग माउंट नहीं कर रहे हैं, आपको डिटेल करते हैं, फिर ऑफिशियल आपको सेटअप करके भी दिखाएंगे। सो गाइस, पर्दा मैं लगा दिया हूँ, दो किले डाल के आपको लगा लेना है। ये ऐसे अलाइनमेंट करके लगाना है, हम लोग कारपेंटर के थ्रू लगाने वाले हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर करना है। दो स्क्रू कस दिया हूँ मैं, हैंग हो गया है जस्ट। इसको आप ऑपरेशन जो है वो आप इसके बटन से भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं। गैस यहाँ पे लिया हुआ अप एंड डाउन, तो फिलहाल तो अप है, मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। गैस आपको दिख रहा होगा डाउन हो रहा है, इसको रिमोट के थ्रू भी गैस हैंडल कर सकते हैं। लाइक इतना ही करना चाहते हैं, स्टॉप कर लेंगे बीच में, स्टॉप हो गया ये, फिर आप अप करना चाहेंगे यहाँ से अप कर लेंगे गैस, स्टॉप कर लिया। हम लोग को नीचे करना है गाइस, नीचे कर लेते हैं, पूरी स्क्रीन पूरा ओपन कर लेते हैं। बहुत ही शानदार फील करता है गाइस, अगर इसको प्रॉपर सेटअप कर लिया जाए तो बहुत शानदार दिखता है ये पर्दा। जब निकलता है और आप प्रोजेक्टर चलाते हैं तो एक अलग सिनेमेटिक इफेक्ट, आपको मजा आता है, एक अलग एहसास करता है पिक्चर हॉल का, जो आपको अपने आप में खुशी देता है। सो गाइज स्टॉप करते हैं और इस पर प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, उसके साथ सेट करते हैं कितना ज़रूरत है प्रोजेक्टर की, पर्दे की, उसके अनुसार ऑन करते हैं। तो प्रोजेक्टर सेटअप करते हैं गाइज। सो गाइज प्रोजेक्टर ऑन है, आपको जैसा दिख रहा होगा सेटअप कर दिया हूँ मैं, आपको सामने स्क्रीन ऑन है। इसकी में खास कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इंस्टॉलेशन जो फ्री होती है इस सब चीज़ों की, आप एप्सन में टोल फ्री में आईडी लेंगे और इंस्टॉलेशन आपको घर आके करता है। HDMI के केबल गैरेट लगा हुआ है गाइस, USB पोर्ट आप पेन ड्राइव लगा के, आप पावर पॉइंट कोई डाल के डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, रिमोट में सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये केबल आपको मेरे लैपटॉप में प्लग किया हुआ है जैसा आपको दिख रहा है गाइस, और सामने प्रोजेक्टर और स्क्रीन ऑन है। आप सामने देखिए पर्दा लगा हुआ है, उसके साथ स्क्रीन सेटअप किया हुआ है। सो गाइज कुछ इस तरह से सेटअप कर लेंगे। आपको सामने मेरा चैनल चल रहा है गाइज, अगर आप मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइज नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब की ज़रूरत है गाइज, आप जल्द से जल्द मेरा सब्सक्राइब बटन दाब लीजिए। सो गाइज आपको सामने दिख रहा है जबरदस्त ब्राइटनेस के साथ है, डार्क रूम मैंने कर दिया, लाइट सारी ऑफ है। एक बार आपको एक वीडियो प्ले करके देखते हैं, आपको जबरदस्त मजा आने वाला है, बिकॉज ये पूरा सिनेमेटिक इफेक्ट दे रहा है गाइज। जबरदस्त ब्राइटनेस है, 4200 लुमिनस का मतलब है आपको एक कंप्लीट सिनेमेटिक इफेक्ट देने वाला है गाइस, जो आपको क्लियरिटी सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये जबरदस्त है। आपको क्लियरिटी ब्राइटनेस आपको 400 जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 1218 आसपास में रेशियो में, 16.10 रेशियो का स्क्रीन आपको सामने दिख रहा होगा। सो प्योर सिनेमेटिक इफेक्ट आपको लग रहा होगा सामने से, काफ़ी ज़बरदस्त क्लियरिटी के साथ है ये प्रोजेक्टर है। सो गाइज इसका जो रेशियो है 16.10 है, इसकी रेजोल्यूशन जैसे बताया था मैं WXGA है ये प्रोजेक्टर, 1280x800 रेजोल्यूशन में वर्क कर रहा है गाइज। सो विड्थ जो होती है 16 होती है, जो हाइट है वो आपको 10 है। सो कंप्लीट सिनेमेटिक इफेक्ट आपको मिल जाता है, हालांकि पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन आप यूज़ करेंगे तो उसको 4.3 रेशियो भी कर सकते हैं, इस रेशियो में भी आप रन कर सकते हैं गाइस। सो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है, अगर आप घर पे सेटअप करते हैं, इसके साथ में होम थिएटर लगाते हैं तो आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। सो गाइस जंगल का शेर आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी आपको क्लियरिटी के साथ दिख रही है, जो कलर कॉम्बिनेशन निकल के आती है बहुत ही ज़बरदस्त है। सो अपने घर को एक सिनेमेटिक इफेक्ट दे सकते हैं, बड़े स्क्रीन बना सकते हैं कम पैसे में। सो गाइज एक आपको हॉलीवुड का तड़का भी दिखा दे रहा हूँ, सो आपको कलर कंटेंट आपको क्लियरिटी समझ में आएगी, क्योंकि ये कॉमन गाने हैं, आपको आपको समझ में आएगा क्या कलर निकल के आ रहे हैं। सो गाइज आपको मेजर चीज़ जानना है कि अगर आपका प्रोजेक्टर पोर्टेबल कहीं ऐसे टेबल पे लगा रखे हैं तो इमीडिएट झटके से आपको उसको नहीं उठाना है, ऑफ़ करने के बाद में उसको टाइम देना है, और ऑफ़ करने के बाद में वो जब ठंडा हो जाता है तभी आप उसको टच करके उठाएंगे। सो मैं स्क्रीन को ऑफ़ कर दिया हूँ, थोड़ी देर उसको प्रोजेक्टर को आप छोड़ के रखेंगे, सो जब कूल डाउन हो जाता है तब प्रोजेक्ट को हिलाएंगे, अदरवाइज उसमें बल्ब फ्यूज होने का चांसेस रहता है।
सो गाइस, पिक्चर हॉल अगर घर में क्रिएट करना है आपको, सिनेमेटिक काइंड ऑफ सेटअप करना है, तो एक होम थिएटर केवल मैंने आपको नहीं बताया, वो प्लग करना है, जबरदस्त मजा आने वाला है गाइस। उसकी रिप्सन की जो रेंज है वो 40,000 से स्टार्ट होती है, हालांकि 40,000 का जो रेंज है उसके अंदर में आपको ब्राइटनेस उतनी नहीं निकल के आती है, 3,000-3,300 के आसपास लुमिनस आती है, कम से कम आपको 4,000-4,200 के आसपास लुमिनस चाहिए होता है, बिकॉज जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट आज के दिन जरूरत है पिक्चरों में उतनी आपको लेनी होगी, तो सबसे मिनिमम रेंज आपको यहाँ से जानी होगी जो 65,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। ऑन प्रोजेक्टर आप स्क्रीन मोटराइज रखते हैं तो उसका अलग ही मजा है, नॉर्मल स्क्रीन भी आपको गाइस आ जाती है, ये स्क्रीन आपको प्रोजेक्टर मोटराइज करीब 10,000-12,000 के आसपास आती है, नॉर्मल स्क्रीन जाएंगे तो 6,500-4,000 के आसपास भी आती है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोटराइज देखने में थोड़ा जबरदस्त मजा आता है। सो गाइस, आपको कोई क्यूरी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां से आप परचेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरे से भी परचेस कर सकते हैं गाइस। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।